इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कभी समंदर कभी सरहद, चीन की साजिशों के हर किस्से ने समूचे देश और दुनिया को हैरान किया है। अपनी महत्वाकांक्षा में चीन ने हिंदुस्तान के साथ साथ अपने हर पड़ोसी के हर रास्ते में रोड़े अटकाने, उसे दबाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाले देशों ने चीन को हर बार अपनी कूटनीति से बैकफुट पर जाने को मजबूर किया है, और इस बार ये काम किया है चीन के पड़ोसी फिलीपींस ने। दरअसल जैसे ही फिलीपींस ने चीन की कमर तोड़ने के लिए भारत से 36 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को मंजूरी दी, वैसे ही चीन की हालत खराब हो गई और अब दुनिया के सामने अपने आप को सुपर पावर बताने वाला चीन फिलीपींस के सामने गिड़गिड़ाने लगा। चीन गिड़गिड़ा भी इस कदर रहा है कि चीन 900 चूहे खाकर अब हज को जाने वाली बात कर रहा है। चीन कह रहा है फिलीपींस से कि हम आपके दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते आप हमसे मिलिट्री की ऐड को रिसीव कीजिए। फिलीपींस को लेकर चीन ने अपने सुर बदल दिए हैं और चीन ने फिलीपींस की सेना को 1 अरब पैसों के सैन्य उपकरण दान किए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बता दें चीन ने जिन उपकरणों को दान किए हैं उनमें बचाव और राहत उपकरण, ड्रोन सिस्टम, डिटेक्टर, पानी की सफाई के वाहन, एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, एक्सरे मशीन, रोबोट, बम निरोधक सूट और वाहन तथा इंजीनियरिंग के उपकरण शामिल हैं। चीन की ओर से ये डोनेशन तब हो रही है जब चीन की दादागिरी से निपटने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन किया, और आप इसे चीन की पहली प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन भी कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि चीन की टांगे कांप गई है कि फिलीपींस अब ब्रह्मोस ले रहा है तो उनकी सिपों के साथ साथ उनके वॉर कैरियर की खैर नहीं, क्योंकि फिलीपींस की जो दूरी है चीनी वॉरशिपों के बहुत करीब है। और अब फिलीपींस के पास भारत का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है कि चीनी वॉरशिप के साथ साथ उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। खैर ये खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल अब फिलीपींस को मिल गई है, तब चीन को जबरदस्त नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के तानाशाही रवैये से जूझ रहा है। इस इलाके में चीन फिलीपींस समेत सभी 12 देशों के दावे को खारिज कर दक्षिण चीन सागर पर अपना एकाधिकार जताता रहा है, लेकिन अब चीन को समझ में आ गया है कि भारत से उलझना उसके लिए कितना नुकसानदायक हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।